लेकिन वर्तमान समाज की विडंबना है कि समाज के मुख्य रूप से तीन अंग माने जाते हैं, विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक। वर्तमान समाज में हम देखते हैं कि एक शिक्षक और अभिभावक हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हिंदू संस्कृति को फॉलो करें, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि इन तीनों के चरित्र में विरोधाभास होता जा रहा है। बच्चा जब अपने अभिभावक के चरित्र को देखता है, अपने शिक्षक के व्यक्तित्व चरित्र को देखता है, तो वह हमारी संस्कृति में उसकी विकृति आ जाती है और वो हमारी संस्कृति से फॉलो नहीं करके पाश्चात्य सभ्यता की ओर चला जाता है। आपका मार्गदर्शन चाहिए कि कैसे हम इन तीनों के चरित्र में एकात्मकता स्थापित कर पाए, जिससे कि हमारे आने वाला भविष्य, आने वाले हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को फॉलो करें। धन्यवाद। गार्जियन है, गोष्ठी करें तो क्या होगा, अनावश्यक जो दूरी है वो दूरी दूर हो जाएगी। भूल को सुधारना, स्वीकार करना, सुधारना, भ्रम को दूर करना, यही तो है। सामंजस्य की विधा क्या है, भूल को स्वीकार करके दूर कर देना, भ्रम का निवारण कर देना, तीनों में सामंजस्य होना ही चाहिए। अभिभावक हैं, शिक्षक हैं और विद्यार्थी हैं, अगर समय समय पर इनकी संगोष्ठी हो। हम दिल्ली में विद्यार्थी थे, पार्लियामेंट उस समय बनाते थे, अध्यापक और विद्यार्थी दोनों सम्मिलित होते थे। ऐसा नहीं छात्र यूनियन अलग, अध्यापक भी होते थे, विद्यार्थियों के नेता भी होते थे, कभी कोई विवाद नहीं होता था। तो अभिभावक भी हों, विद्यार्थी भी हों, अध्यापक भी हों, समय समय पर तालमेल बैठावें, तो इस प्रकार की विसंगति नहीं होगी। नारायण।